हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बजने वाले हैं सुबह के 9 और हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं बाहर और स्टार्ट कर दिया है फिर से खेत का काम करना। तो कल हम लोगों ने आधा खोद दिया था इसको, अब उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं करना। तो कल तो हम लोग जल्दी आ गए थे बाहर मॉर्निंग में खेत का काम करने के लिए, इसीलिए टाइम से खोद दिया था धूप निकलने से पहले ही। और उस साइड को तो वैसे भी थोड़ा पेड़ की छाया पड़ जाती है और आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है हम लोगों को, बिकॉज ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और धूप भी आ चुकी है और अब तो धीरे धीरे और तेज़ धूप होते रहेगी। तो जब तक हो सकता है तब तक करते हैं, जहाँ से बहुत तेज़ धूप लगने लगेगी वहाँ से खेत का काम करना बंद कर देंगे और अंदर जा कर के फिर करेंगे घर के अंदर का काम। तब तक करते हैं खेत की खुदाई। कल मॉर्निंग में जब यहाँ पर खोदना शुरू किया था तो काफ़ी टफ हो रहा था यहाँ पर खोदना, बिकॉज इस साइड में जो ये प्लॉट है यहाँ पर ये काफ़ी ड्राई हो गया था, जिस वजह से काफ़ी मेहनत लग रही थी खोदने में। बट उसके बाद मम्मी ने शाम के समय यहाँ पर काफ़ी पानी वगैरह डाला और अभी मॉर्निंग में भी मम्मी ने यहाँ पर पानी वगैरह डाल दिया था, जिस वजह से अभी थोड़ा सही लग रहा है। कल के बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ रही है खोदने में, थोड़ा ईजी हो गया गीला होने से, अब खोदने के लिए सही हो गया है। क्योंकि जब ज़मीन गीली होती है उस समय खोदने में थोड़ा ईजी हो जाता है और जब ड्राई होता है तो उस समय काफ़ी मेहनत लगती है और थोड़ा टफ पड़ जाता है खोदना। तो कल के कंपेरिजन में अभी फ़िलहाल ठीक हो रहा है खोदने में। जो साइड अभी सूखा सूखा दिख रहा है वो हमने कल खोद लिया था और ये जो अभी गीला दिख रहा है ये आज की मेहनत है। वैसे धूप तो बहुत तेज हो रही है बट क्योंकि इस साइड को पेड़ वगैरह लगा रखे हैं जिस वजह से थोड़ी छाया पड़ रही है और इसी का प्रॉफिट हो रहा है हमें कि हम इस टाइम पर खोद सक रहे हैं खेत को। अदरवाइज धूप इतनी तेज हो चुकी है कि इस समय खेत में आकर के खोदना बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट सर पर लगती है धूप। और ये रहा हमारा बिजलू, अभी तक ये ऊपर छत में गया हुआ था और आ गया छत से नीचे और ये म्याऊ म्याऊ कर रहा है। ये क्योंकि टॉकिंग कैट है इसीलिए म्याऊ म्याऊ कर रहा है। बिजलू क्या बोल रहा है तू, कुछ बोल रहा है? हाँ, ये सबको कह रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सही पहचाना मैंने। तो फ्रेंड्स, हो गया हम लोगों का भी खेत का काम, बिकॉज आज भी हम लोगों ने आधा ही कर रखा है, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा खेत को क्योंकि बहुत तेज़ की धूप हो रही है तो फिर इतने धूप में करा भी नहीं जा रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग करेंगे कल या फिर शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को करेंगे, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में ही करेंगे फिर से। तो फिलहाल तो अब हो चुका है बाहर का काम और अब चलेंगे अंदर। और आज तो हम लोग अंदर जो हम लोगों ने पानी की टंकी बना रखी है उसको भी खाली कर रहे हैं, तो इसीलिए आज तो वैसे ही ज़्यादा काम है करने के लिए, पूरा साफ़ भी करना है टंकी, तो इसीलिए अब चलते हैं अंदर और अब स्टार्ट करेंगे अंदर का काम करना। क्योंकि बाहर तेज़ धूप आ जाती है इसलिए हम लोग पहले बाहर ही आ जाते हैं और बाहर का ही काम कंप्लीट करते हैं। तो अब क्योंकि हो चुका है बाहर से काम तो अब अंदर चलेंगे और अब करेंगे अंदर का काम। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं 2:00 और रेडी है हम लोगों का दोपहर का लंच। तो फ्रेंड्स देखिए कौन आया, पहचानिए। तो फ्रेंड्स जय भी आ गया है, जय को हो गया आधा घंटा आए हुए, बिकॉज आज वैसे ही वो कॉलेज नहीं गया था, कल संडे है, उसके बाद फिर मंडे को छुट्टी है तो इसीलिए जय आ गया है घर। तो फिलहाल अभी हम लोग करेंगे अपना लंच और बनाएंगे आगे का व्लॉग लंच के बाद। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं शाम के 6 और मेरा भी ट्यूशन पढ़ा करके हो चुका है और जय भी गया हुआ है बाहर फ्रेंड्स के साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए और अभी तैयारी चल रही है रात का खाना बनाने की। तो क्योंकि हम लोग सब्जी पहले ही बना देते हैं इसीलिए अभी मम्मी काट रहे हैं सब्जी और मम्मी अभी काट रहे हैं पत्ता गोभी, तो हम लोग पहले बना देंगे सब्जी और रोटी तो हम लोग जिस समय खाते हैं उसी समय बनाते हैं। सब्जी पहले बना कर रख देते हैं उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा वॉकिंग वगैरह करते हैं। तो कट चुकी है सब्जी और अभी चलेंगे किचन में और बनाएंगे सब्जी। यहाँ पर सोया है बिजलू और ये देखो ये रहा लूसी, लूसी को दिया है दूध भात खाने के लिए, अब यहाँ पर ही बैठ गया ये। सो फ्रेंड्स, जय भी आ गया है वॉलीबॉल खेल करके और अब पी रहा है गुलकोन डी, बिकॉज गुलकोन डी इसका फेवरेट है इसीलिए कहीं से भी आए कहीं को भी जाए गुलकोन डी पीता है।
क्योंकि ग्लूकोन डी पी करके आ जाती है इसको एनर्जी। तो अभी तो जय कर रहा है रेस्ट, क्योंकि अभी अभी आ रखा है ये वॉलीबॉल खेलकर, और अभी जाएगा जय फिर से फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ी वॉकिंग करेगा। सो फ्रेंड्स इस समय बज चुके हैं रात के 8 और हम लोगों का डिनर बनकर हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मम्मी ने बना रखा है पत्ता गोभी की सब्जी जो जय को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए मम्मी कह रही है दूध के साथ खा ले, जैम के साथ खा ले, जिसके साथ खाना है खा ले, बट जय को किसी के साथ नहीं खाना है।